एक तारीख के दिन जो पेडला गांव के अंदर बनाव बना था उसके अनुसंधान में जेतपुर तालुका पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ था। उसमें टोटल हमने अब तक 22 आरोपी उस दिन अटक किए थे, उसके बाद 5 आरोपियों की और अरेस्ट किया है। अब इस पूरे गुना में टोटल 27 आरोपियों की अटक हो चुकी है। पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने जो रिमांड लिए थे, रिमांड के अनुसंधान में आरोपियों के घर पे, ऑफिसेज में और गोडाम्स के अंदर रेड्स की गई है। रेड्स के दरमियान जो कोई भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हमारे सामने आए हैं, उन एविडेंस को हमने अपने हाथ पे रख के और इन्वेस्टिगेशन आगे चलाया है। इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इसके कि ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ था, कौन कौन से गोडाम भाड़े में रखने में आए थे, कहाँ से मूंगफली को ट्रांसपोर्ट किया गया था और कहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, कौन मिल मालिक थे या थे या नहीं थे, उन सभी पक्षों को हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन में लिया है। हाँ, उसमें जो आरोपी का नाम था वो आरोपी के साथ में दूसरा जिसके साथ चर्चा चल रही थी वो भी हमारी इस तपास में उसका नाम खुला है, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया। हम आगे जैसे जैसे आगे तपास में बढ़ेंगे, जैसे जैसे जिन जिन लोगों का नाम आता जाएगा उन सबके लिए हम लोग पूछपरछ करेंगे। ये मैं शुरुआत के दिन से कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर इस केस में किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। स्पष्ट रूप से हम लोगों को सूचना है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष और न्यायिक तपास करें, और ये अपने आप में साबित भी होता है, क्योंकि अगर वो ऑडियो क्लिप की कही हुई बात को सच माना जाए तो मैं खुद इस चीज़ का सुपरविजन कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं है इस बात का। और हम लोगों ने दूसरी बात भी ये कही थी कि ये जो फरियादी है वो फरियादी हमारी शंका में है, उसके ऊपर हमें शंका है, और वो शंका हमारी इस ऑडियो क्लिप के मार्फत साबित भी होती है कि वो सही शंका थी, और यही वो मूल फरियादी है जिसने पूरा का पूरा ये सब षड्यंत्र होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद इसको कवर अप करने का कोशिश किया। वो एक जो 3 एजेंसीज है उसमें से एक के अधिकारी हैं वो, और उनमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे नाम खुलेगा तो हम उनको बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन।